इत्थे चल रहे कार्यों तो प्रभावित होते 2 लाख रुपया कैश ते 7.5 लाख रुपया चेक उन्होंने दिता। सचखंड श्री दरबार साहब जिथे कि श्रद्धालु दर्शन दीदारे करके अपना जीवन सफला करते हैं, उत्थे ही अपनी श्रद्धा अनुसार तिल फुल भेटा भी अर्पण करते हैं। अज विदेश तो आई संगत वालों सचखंड श्री दरबार साहब विखे लखा रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया। जानकारी अनुसार 2 लाख रुपया नकद और 7.5 लाख रुपए का चैक श्रोमणी कमेटी को इस संगत के जथे वालों भेट किया गया। श्रोमणी कमेटी वालों इस जथे को इस मौके सन्मानित भी किया गया। वाहेगुरु जी की फतेह। अज सरदार रणजीत सिंह कानपुर तो अपने परिवार समेत सचखंड श्री हरिमंदर साहब दर्शन लिए आए सन। उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदर साहब के प्रबंध तो प्रभावित होकर इत्थे चल रहे कार्यों तो प्रभावित होकर 2 लाख रुपया कैश ते 7.5 लाख रुपया चैक उन्होंने दिता। इस तो इलावा उन्होंने लंगर लई रसदां दित्तियां ने ते निवासां लई 500 चादरां दित्तियां ने। मैं इन्हां दीआं भावनावां नूं मुख रखदिआं गुरु महाराज जी गड़ी अरदास करदा कि जिहड़ियां भावनावां इन्हां ने ये सेवा की आ भावनावां पूरियां होण, गुरु महाराज जी इन्हां नूं चढ़दी कला च बख्शे ते इन्हां नूं इह बल बख्शे कि गांह वी इदां ही गुरु घर की सेवा करते रहन। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। अज सरदार रणजीत सिंह कानपुर तो अपने परिवार समेत सचखंड श्री हरिमंदर साहब दर्शन लिए आए सन। उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदर साहब के प्रबंध तो प्रभावित होकर इत्थे चल रहे कार्यों तो प्रभावित होकर 2 लाख रुपया कैश ते 7.5 लाख रुपया चैक उन्होंने दिता। इस तो इलावा उन्होंने लंगर लई रसदां दित्तियां ने ते निवासां लई 500 चादरां दित्तियां ने। मैं इन्हां दीआं भावनावां नूं मुख रखदिआं गुरु महाराज जी गड़ी अरदास करदा कि जिहड़ियां भावनावां इन्हां ने ये सेवा की आ भावनावां पूरियां होण, गुरु महाराज जी इन्हां नूं चढ़दी कला च बख्शे ते इन्हां नूं इह बल बख्शे कि गांह वी इदां ही गुरु घर की सेवा करते रहन। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।